सब्सक्राइब करें टेक्विज सुमित, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप मेरे साथ देख रहे हो टेक्विज सुमित। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडमी 5, रेडमी नोट 4 के बारे में कि इन डिवाइसेस को अपडेट कब मिलेगा। तो गाइज, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम अगर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो गाइस, ज़्यादा देर नहीं लगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, 5 या 4 मिनट की होगी। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब अगर आपने, आपके पास कोई भी डिवाइस है, रेडमी नोट 4 है, रेडमी 5 है, इन तीनों में से कोई भी डिवाइस है, तो गाइज आपको 1, 5 या 6 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा MIUI 10 से रिलेटेड, ठीक है। तो गाइज, मैं पहले बात कर लेता हूँ रेडमी नोट 4 को लेके, ठीक है। तो जो रेडमी नोट 4 है उसको जो है चाइना में अल्फा रोम में जो किया MIUI 10 का बीटा अपडेट लेके जो किया है, मतलब रोल आउट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसमें जो Redmi 6 Pro के बाद, Redmi 6 Pro को मिलेगा अभी तो MIUI 10 का स्टेबल अपडेट, उसके बाद जो है रेडमी नोट 4 की बारी आएगी, मगर जो रेडमी 5 है और 5 के बाद में आएगी, उससे पहले भी आ सकती है, उसके बाद में भी आ सकती है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बात करता हूँ रेडमी 5 के बारे में। तो रेडमी 5 का अपडेट आपको 20 नवंबर के बाद से लेके 31 नवंबर के बीच बीच में, आपको 31 नवंबर के बीच बीच में आपको जो है अपडेट मिल सकता है। तो इसलिए आपने अपडेटर ऐप में जाके चेक करते रहना है। तो आपको गाइस पता होगा Redmi 5A में जो ओरियो का अपडेट है वो आएगा, क्योंकि जो Redmi का 5A का जो बीटा टेस्टिंग के लिए अपडेट था वो सस्पेंड हो चुका है। वो क्यों सस्पेंड हुआ है उसकी, उसके बारे में अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि क्यों सस्पेंड हुआ था वो रोम, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओरियो का अपडेट ज़रूर मिलेगा Redmi 5A में। तो अगर आपके पास Redmi 5 है तो आप जो है 20 नवंबर से लेकर 31 नवंबर के बीच बीच में अपडेटर ऐप जरूर चेक करते रहिए अगर आपको अपडेट चाहिए। तो मैं भी चेक करूंगा बीच बीच में, अगर मुझे अगर अपडेट आ जाता है तो मैं उसी के साथ ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियो से रिलेटेड कि अगर आपको क्या अपडेट मिला है, क्या अपडेट उसमें नया फीचर्स मिला है। तो मैं बात करता हूँ रेडमी 5 को लेके। तो जो गाइस रेडमी 5 के यूज़र्स हैं उनको भी मैं बता दूँ कि 4 या 5 दिन के अंदर अंदर आपको भी अपडेट मिल जाएगा, या आपको रेडमी 5 को पहले मिलेगा या Redmi 5A को पहले, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो Redmi 5 और 5A सीरीज़ है दोनों को या 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, मतलब जैसे अगर Redmi 5A को आज अपडेट मिला, कल 2 या 3 दिन के बाद जो है Redmi 5 यूज़र्स को भी अपडेट मिल जाएगा। मैं यही बोलूँगा कि अगर 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में Redmi 5A को अपडेट मिलता है तो 25 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में Redmi 5 और 5A यूज़र्स को भी अपडेट मिल सकता है। तो पहले जो ये अपडेट होगा ये सिर्फ रैंडमली यूज़र्स को मिलेगा, उसके बाद जो है बाकी सभी यूज़र्स को जो है मतलब मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि रैंडमली यूज़र किसे किसे चूज़ करेंगे, मतलब जो ज़्यादा ही एक्टिव होगा, मतलब जो ज़्यादा ही एक्टिव होगा फ़ोन पे शायद उसी को मिलेगा, या उसी को कौन से यूज़र को मिलेगा ये तो गाइस वही है ना कि कौन से यूज़र को नहीं मिलेगा, कौन से नहीं को नहीं मिलेगा, आप बस ये थोड़ा सा आप देखते रहिए। इसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेडमी 5 और 5A है दोनों को ओरियो का अपडेट मिलेगा, दोनों में रैंडमली फ़र्क मिलेगा, मतलब 5 या 3 या 2 दिन का अंतर अंतर तो रहेगा ही, क्योंकि रेडमी 5 को दोनों को अलग अलग अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो गाइस जो अगली वीडियो होगी उसमें बताऊंगा कि रेडमी 5A का जो अपडेट था बीटा का वो क्यों सस्पेंड हुआ था। तो अगली वीडियो के लिए आप बने रहिए, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। धन्यवाद।